नमस्कार दोस्तों, देश में एक्सप्रेसवे निर्माण की बात करें तो पिछले 5 सालों में पूरे भारत में 50 से ज़्यादा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो 8 से ज़्यादा लंबी वो शानदार एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। और यह कारमा यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि कारमा को आगे बढ़ाते हुए गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और हमारे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की सबसे शानदार एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे से ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार और बंगाल जैसे राज्य को भी कनेक्ट करेगी। यह एक्सप्रेसवे इसलिए भी मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करेगी, ट्रेड में सहयोग करके कनेक्टिविटी आसान करेगी। यह पूरा एक्सप्रेसवे तकरीबन 519 किलोमीटर बताई जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा 84 किलोमीटर का होगा, बिहार का हिस्सा 416 किलोमीटर का होगा जो कि सबसे लंबा रूट भी होगा, वहीं बंगाल का 19 किलोमीटर का हिस्सा होगा। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, जो 4 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप करेगी, जो कि डिमांड के अनुसार 6 लेन के रूप में भी परिवर्तन किया जाएगा। एक्सप्रेसवे गोरखपुर के जगदीशपुर से शुरू होकर बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगी, जिसमें गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज होते हुए बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगी। और सिलीगुड़ी से पूरे नॉर्थ ईस्ट की अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकेगी, क्योंकि सिलीगुड़ी से ही नॉर्थ ईस्ट शुरू होती है और डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लोग इस गोरखपुर सिलीगुड़ी से डायरेक्ट मेनलैंड इंडिया से ट्रेड कर सकेगी, अच्छी तरह से कनेक्टिविटी मिल सकेगी और आने जाने में सहूलियत हो। यह एक्सप्रेसवे मुख्य तौर पर बिहार के लिए ही बनाया गया, क्योंकि बिहार की कनेक्टिविटी काफ़ी ख़राब है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरा एक्सप्रेसवे बिहार के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे आने से कनेक्टिविटी तो अच्छी होगी साथ ही रोज़गार के अवसर भी बनेंगे। और फ्यूचर में इसी एक्सप्रेसवे के अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है, जिससे बिहार के लोगों को, बिहार के यूथ को काफ़ी फायदा होगा, कई सारी नौकरियाँ भी लगेगी। एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस होगी। इसका मतलब यह है कि किसी पुराने हाईवे को डेवलप नहीं करके इसे एक बहुत ही नए तरीके से, नए सिरे से डेवलप किया जाएगा, जो कि कोशिश की जा रही है कि एक स्ट्रेट लाइन के रूप में से बनाया जाए, ताकि गोरखपुर से सिलीगुड़ी की डिस्टेंस कम हो, आने जाने में समय की बचत हो। रिपोर्ट के अनुसार अगर एक बार एक्सप्रेसवे बनती है तो सिलीगुड़ी से गोरखपुर सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जो कि तकरीबन 600 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अपडेट्स की बात करूं तो एक्सप्रेसवे का DPR तैयार कर लिया गया और जल्द ही जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू किया जाना है। और रिपोर्ट्स का यह भी मानना है कि 2025 तक इसे पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, इसकी देखरेख NHAI द्वारा किया जाना है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट से जुड़े 3 अलाइनमेंट जारी किए गए, जिनमें से पहला अलाइनमेंट 28,000 करोड़ की होगी, दूसरी अलाइनमेंट 25,000 करोड़ की, वहीं तीसरी अलाइनमेंट 25,600 करोड़ की होगी। तीनों अलाइनमेंट में किसी एक को चूज किया जाना और इसी के तहत इसे डेवलप किया जाना है। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस एक्सप्रेसवे के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल आज का वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।